गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन सब अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस जीओसी के अभी तक हमने 6 लेक्चर को कंप्लीट किया है और लास्ट हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर के, जिसके बिहाफ पे हम आगे का जितना भी फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप्स। बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। होमोलोगस सीरीज को वैसे तो मैंने हाइड्रोकार्बन में भी आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से होमोलोगस सीरीज बनती है एल्केन एल्कीन एल्काइन की, लेकिन क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिस पर, तो यहां इसको स्टडी करना जरूरी होगा कि पहली चीज यहां पर आती है होमोलोगस सीरीज होती क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो बताइए डेफिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज क्या चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। कॉमन सी चीज कैसे, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। जो होमोलोगस सीरीज है वो पूरा का पूरा एक ग्रुप है या पूरी एक फैमिली है, ठीक। तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, इट इज अ ग्रुप या खाली अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ फैमिली ऑफ वेरियस मेंबर्स विच कंटेन्स सम टाइप ऑफ स्पेशल या सम टाइप ऑफ सर्टेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। पूरी की पूरी एक ऐसी फैमिली या पूरी की पूरी एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्या हो, कुछ सर्टेन टाइप के सर्टेन ही एटम्स या एलिमेंट्स या एटम्स के जो ग्रुप हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। तो अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, होमोलोगस सीरीज जो है वो जनरली यहां पर, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक होमोलोगस सीरीज जो है हाइड्रोकार्बन की, वो क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन की होमोलोगस सीरीज हमें देखने के लिए मिलती है। वो होमोलोगस जो सीरीज होगी उसको हम तीन क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे। पहली जो क्लास होगी वो क्या होगी, एल्केन की। दूसरी जो क्लास होगी वो किसकी होगी, एल्कीन की। और जो तीसरी क्लास होगी वो किसकी होगी, एल्काइन की। ये हाइड्रोकार्बन की तीन क्लासेस मैंने यहां बनाई है, तीनों की तीनों किसकी है, हाइड्रोकार्बन की। तो तीनों को हमें देखना है, तीनों की जो होमोलोगस सीरीज बनती है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ये चीज देखनी है कि तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन वेरिएशन क्या आता है इन तीनों के अंदर, वो चीज को हमें यहां देखना है। तो बारी बारी से हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो चीज है, यहां पर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी एक होमोलोगस सीरीज की, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में भी हमें समझना होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इनका एक एग्जांपल देता हूं, इनकी एक सीरीज बना करके दिखाता हूं, फिर उस सीरीज के बिहाफ पर ही हम होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो चलिए फटाफट से वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। या एल्केन एल्कीन एल्काइन की जो होमोलोगस सीरीज है उसके बारे में हम यहां स्टडी कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली सीरीज है, देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी, एल्केन की। यहां लिख लेते हैं हम एल्केन, ये आ गया है मेरे पास एल्कीन और ये आ गया है मेरे पास एल्काइन। चलिए होमोलोगस सीरीज बनानी शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बन की, अच्छा यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन छोटा सा मन में आता है कि होमोलोगस सीरीज क्यों बन रही है, कार्बन और हाइड्रोजन की होमोलोगस सीरीज क्यों बन रही है। तो उसके पीछे इसका जो पीछे का रीजन है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। वो रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में बता दिया है कि जो कार्बन होता है इसके पास टेट्रावेलेंसी क्या होता है, टेट्रावेलेंसी होती है, कैटिनेशन की पावर होती है, कैटिनेशन की नेचर होती है, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी हैं कार्बन की जो इसको अपनी एक लॉन्ग फैमिली, लार्ज फैमिली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब कार्बन के अंदर अगर टेट्रावेलेंसी तो वो क्या करेगा, अटैच होता चला जाएगा ना, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, कितने भी कार्बन के साथ क्या होता जाएगा, अटैच होता चला जाएगा। देखो तो ये जो सीरीज, ये जो यहाँ पे फैमिली बन रही है कार्बन की, ये इसकी कैटिनेशन की वजह से बन रही है।
तो होमोलोगस सीरीज के पीछे का रीजन भी क्या होता है, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन भी होता है। तो चलिए यहां हम बात कर रहे हैं क्योंकि किसके बारे में, किसके बारे में, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन कैसे होंगे, जनरली अगर मैं बात करता हूं एल्केन की तो कार्बन यहां पर होते हैं सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। जब कार्बन क्या हो जाए, सारे सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो वो जो सीरीज बनेगी सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम से वो एल्केन की सीरीज होगी। एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड से कोई सीरीज बनती है, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आए तो वो सीरीज किसकी होगी, एल्कीन की होगी। और अगर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक कम से कम क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो सीरीज जो बनेगी वो किसकी बनेगी, एल्काइन की सीरीज बनेगी। अब इनकी सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर होता है, यहां पर हम बात करें मेंबर्स की, कौन से वो मेंबर्स हैं, देखो जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे तो इसका मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, सिंगल वैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड से बनी हुई है, तो ये चारों वैलेंसी को पूरा कौन करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो यानी अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं, ये मैंने आपको बता दी है ओपन स्ट्रक्चर कौन सी होती है, कंडेंस स्ट्रक्चर कौन सी होती है, और रिंग स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कौन सी होती है। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, CH4, ठीक है। सेकंड मेंबर होगा बताओ, देखो सेकंड मेंबर के लिए दो कार्बन मुझे अटैच कराने होंगे और दो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, तो चार वैलेंसी पूरी करनी है, एक दो तीन चार, दोनों की चार चार वैलेंसी पूरी है। हाइड्रोजन काम करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि C2H6, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं C2H6। अगला देख लेते हैं, तीन कार्बन मुझे अटैच कराने, सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, तो 1 2 3 मैंने लगा दिए, तीनों पे वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आ गए 8, यानी कि 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। अब देखो एक सीरीज हमें यहां मिलती जा रही है, अगर मैं नेक्स्ट कार्बन फैमिली की बात करता हूँ, कार्बन मेंबर की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा C4H10। इसी तरीके से अगर मैं अगला बात करता हूँ तो C5H12। हर बार क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हर मेंबर होमोलोगस सीरीज का हर मेंबर वेरी करता है कितने CH2 ग्रुप से, CH2 ग्रुप का क्या आता है, जैसे जैसे हम सक्सेसिव ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम सक्सेसिव ऑर्डर में इसको लगाते जाएंगे, हर मेंबर के बीच में डिफरेंस आता जाएगा CH2 ग्रुप का। अब देखो CH2 ग्रुप से क्या मतलब हुआ, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास टोटल कितना हो गया 2, टोटल कितना आ गया 14। तो इसका मतलब यहां लिखते हैं हम सबसे पहले, ये जो एटॉमिक मास है मीथेन का, CH4 का एटॉमिक मास कितना होता है 16, क्योंकि 12 ये रहा 4 ये रहा, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, इसमें देखेंगे तो 12 टू 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, ये किसमें काउंट होंगे AMU में, जो एटॉमिक मास होता है फॉर्म किसमें यूज करता है, एटॉमिक मास यूनिट में यूज करता है, तो 16 30। नेक्स्ट कितना आने वाला है, क्योंकि डिफर कितने से हो रहा है CH2 से, यानी कि 14 से डिफर होता जा रहा है, तो 14 AMU ऐड करते चले जाओ, ये हो गया 44, ये हो गया 58, ये हो गया 72, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक सीरीज हमें मिल जाती है जब हम कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरीके से सिचुएट करते हैं कि हर सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप से क्या हो जाए, डिफर हो जाए, इसका मतलब 14 AMU मास इंक्रीज होता चला जाए। तो जो सीरीज हमें मिल रही है वो क्या होगी, एक होमोलोगस सीरीज होगी। तो ये तो बात होगी एल्केन के केस में, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं, तो अगर चलो एल्कीन की देख लेते हैं, एल्कीन में एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, तो इसका फर्स्ट मेंबर जो होगा वो क्या होगा, इथीन होगा, यानी कि C2H6, ये तो किसका हुआ, इथेन का। और इथेन में से अगर मैं दो हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाती है, इथीन मिल जाती है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, देखिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, वैलेंसी पूरी करनी है 4, तो 1 2 2, देखो चार वैलेंसी पूरी हो गई, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब दो हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास, तो C2H4 ये क्या होगा, फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर फिर से यही करते जाना है आपको, डिफर करना है CH2 के साथ, तो एक कार्बन बढ़ाएंगे दो हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, फिर से एक कार्बन बढ़ाएंगे दो हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, एक कार्बन बढ़ाएंगे दो हाइड्रोजन बढ़ाएंगे। अब देखो एल्केन के केस में तो आपको इस तरीके से याद रखना है CH4 C6 C3H8 C4H10 C5H12, एल्कीन के केस में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ट्वाइस है किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। अगर कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन दो होंगे, कार्बन दो होगा तो हाइड्रोजन चार होंगे, कार्बन तीन होगा तो हाइड्रोजन छह होंगे। देखो वही चीज हो रही है ना, वही चीज बोलो, ये कार्बन दो है हाइड्रोजन चार, कार्बन तीन है हाइड्रोजन छह, कार्बन चार है हाइड्रोजन आठ, कार्बन पांच है हाइड्रोजन दस। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाती है, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज मिल जाती है। सिमिलर एल्काइन पाए जाते हैं,
हेलाइन के केस में देखो क्या है, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए ना, तो पहला जो मेंबर बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन को पूरा करते हुए बनाएंगे। चौथी वैलेंसी कौन पूरी करेगा? एक एच। तो बताओ क्या मेंबर आया? एग्जैक्टली C2H2। तो C2H2 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली। अगला मेंबर क्या है बताओ? एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। फिर से एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। फिर से एक कार्बन बढ़ाना है, दो हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाते हैं? होमोलोगस सीरीज में मेंबर्स मिल जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन फैमिली के। अब यहां पर कॉमन चीज क्या है तीनों ही फैमिली के अंदर, बताओ कॉमन क्या चीज मिली? कि हर सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है ना, हर मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है एल्केन में भी, एल्कीन में भी और एल्काइन में भी। तीसरी जो चीज आती है, सभी के अंदर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या? कार्बन और हाइड्रोजन। चौथी जो चीज आएगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। क्यों? क्योंकि इनके जो एटम्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी एक जैसी रहने वाली है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफर कर जाएगी? क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो फैमिली में, वैसे वैसे एटॉमिक मास में क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट होते चले जा रहा है। तो इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफर हो जाएंगी, वो बदल जाएंगी। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से, फटाफट से, और मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट की जगह आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि पढ़ाई तभी होती है जब आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर दो। तो चलिए फटाफट से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं होमोलोगस सीरीज में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बनाती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज हमने लिखेंगे, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज HS मैंने लिखा, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज है, बताओ जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, है ना, ये क्या है? All the various members of homologous series are called homolog. क्या बोलते हैं इनको? Homologs बोलते हैं, ठीक है। जितने भी मेंबर आपके होमोलोगस सीरीज में रखे जाएंगे, जितने भी अभी हमने मेंबर सारे बनाए थे, वो सब क्या कहलाते हैं? होमोलोग्स कहलाते हैं। दूसरी चीज, ऑल द मेंबर्स आर डिफर बाई CH2 ग्रुप। अब वैलेंसी कितनी होंगी? दो होंगी, तो CH2 की क्योंकि दो पूरी हुई है, CH2 ग्रुप एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट इन सक्सेसिव ऑर्डर। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, हर मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का क्या आता जाएगा? डिफरेंस आता जाएगा, यानी कि 14 AMU मास चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगला, ऑल द मेंबर्स या ऑल द होमोलोग्स भी आप लिख सकते हो, ऑल द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सिमिलर मेथड्स बाय मीन्स ऑफ सेम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स। सारे के सारे जितने भी होमोलोग्स होंगे, आप उनको सेम क्या कर सकते हैं? सेम प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो उनको लैब के अंदर सिमिलर मेथड से भी बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। नंबर 4 जो आ जाता है कि ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर फॉर आर होमोलोगस सीरीज या फॉर आर सीरीज। हर सीरीज में क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है, क्योंकि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन कॉमन है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी ड्यू टू एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि एटॉमिक मास कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है? बढ़ते चले जा रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता चला जाएगा? चेंज आता चला जाएगा।
तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कि जितने भी हमारे वेरियस मेंबर्स हैं वो सारे होमोलॉग्स कहलाएंगे। दूसरी चीज, ये इनको सभी के बीच में जो डिफरेंस आता है वो सी एच टू ग्रुप का आता है, यानी 14 एटॉमिक मास यूनिट का आता है। तीसरी चीज, उनको सेम लेबोरेटरी मेथड से हम बना सकते हैं, यानी कि उनका जो प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सेम है। चौथी जो चीज है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी अलग अलग है। तो ये आपकी हो गई है होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब होमोलोगस सीरीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई वो केवल हाइड्रोकार्बन की बताई है। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर कौन कौन सी होमोलोगस सीरीज बनाई जा सकती है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा फंक्शनल ग्रुप्स को, देखते हैं फटाफट से फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर हम बात करेंगे किसके बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ, या चलो इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ अ हाइड्रोकार्बन या ऑल दी हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं अगर उनमें कोई एडिशनल एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है और वो उनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे चलिए एक बात करता हूं, जैसे कि मैंने बात करी मीथेन की, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर बताओ मीथेन कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, गैस होती है बताओ, हाँ मीथेन जो है रूम टेम्परेचर पर हमें क्या देखने के लिए मिले, गैस, ठीक है। अभी मैं क्या करूं, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दूं OH से, मैंने क्या करना है, OH को इंट्रोड्यूस कराना है और H को रिप्लेस कराना है, यानी H बाहर निकलेगा और OH आकर के बैठ जाएगा, तो क्या बन गया CH3, क्योंकि देखो एक एच कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा CH3, और एक वैलेंसी कार्बन की खाली रहेगी तो उस पर कौन जुड़ जाएगा करके OH जुड़ जाएगा, यानी ये आपको ऐसे लिखना होगा, इस तरीके से आप इसे लिखोगे CH3OH, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो हम कंडेंस फॉर्म जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं CH3OH। अब बताओ ये क्या था, ये थी एक एल्केन, ये क्या थी, एल्केन, जिसका नाम क्या है, मीथेन, लेकिन जैसे ही OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और एल्कोहल में कौन सा वाला, मीथेनॉल बन गया, मीथेनॉल। अब चेंज किसकी वजह से आया, चेंज आया इस OH की वजह से, ये जो OH है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप जैसे इंट्रोड्यूस हुआ इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो बदल गई। यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा था वो कर रहा था सिंगल बॉन्ड, है ना, यहां पर ये जो OH है यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है तो सिंगल बॉन्डिंग, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। तो जैसे ही OH आया इसने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। अब ये जब एल्कोहल बन गई तो ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है, क्योंकि जब आप इसको ड्रिंक करते हैं, अगर हम इसको एक्सेस में ड्रिंक करें, अ पर्सन कैन बी डेड, है ना, पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और डेथ होने के पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज इट अटैक्स ऑन आर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीथेनॉल क्या करती है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, एक्सेस अमाउंट में हम इसको गेन करेंगे, इनहेल करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगी और हमारा जो न्यूरोन है वो काम करना बंद कर देगा। तो जैसे ही न्यूरोन बंद होगा हमारी बॉडी कैसी रहेगी, डेड रहेगी, मर जाएंगे हम। इसी वजह से क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी एक हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को, करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकता है, जो चीज पहले हार्मफुल ज्यादा नहीं थी उसको बहुत ज्यादा हार्मफुल बना सकता है। इसी वजह से ये जो सर्टेन एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, OH के ऊपर। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं इसी में क्या करता हूं, इंट्रोड्यूस करा देता हूं COOH ग्रुप को, ठीक है, आप इस OH की जगह पर इंट्रोड्यूस कराइए COOH को, फिर से वही काम होगा, एक एच रिप्लेस हो जाएगा, तो एक एच आप माइनस करेंगे, जैसे एक एच बाहर निकला तो बताओ क्या बनने वाला प्रोडक्ट, CH3COOH। CH3COOH क्या होता है बताओ, एक एसिड है, और एसिड भी कौन सा वाला, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, विनेगर,
अब विनेगर ये क्या है, सिरका, जिसको हम खाते पीते भी हैं। तो बताओ फिर से क्या हुआ, मीथेन गैस को तो नहीं खाते ना, मीथेन को तो नहीं पीते हम, लेकिन जैसे ही इसका एक एच रिप्लेस हुआ बाई CWH, इस पूरे ग्रुप ने इसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। हम इसको इनहेल कर रहे हैं, ये सिरका बना रहा है। विनेगर जो होता है सिरका बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम फास्ट फूड्स वगैरह में भी एक अच्छी स्मेलिंग के लिए, अच्छे ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। तो जो CWH ग्रुप है इसी पर बेस्ड है सारी प्रॉपर्टीज, किसकी, इस कंपाउंड की। तो ये जो सर्टेन एटम्स हुए इनको हम क्या बोल रहे हैं, या ग्रुप्स जो हुए उनको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोल रहे हैं। अब चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर क्या बना देता हूं, होमोलोगस सीरीज बता देता हूं कि किस किस तरीके से आप होमोलोगस सीरीज बनाएंगे बाय यूजिंग सर्टेन ग्रुप्स या सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहली जो अभी हम बात कर चुके हैं एल्केन, ठीक है, एल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है बताओ वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूं एल्कीन की, चलो इसको थोड़ा सा पास लिख लेते हैं, ये मेरे पास आ गया एल्केन, यह आ गया सिंगल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+ ये क्या हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरल फॉर्मूला की। एल्कीन, एल्कीन की हम बात कर रहे हैं, एल्कीन क्या होती है, CnH2n होती है, यहां होता है डबल बॉन्ड। एल्काइन, एल्काइन क्या होती है, CnH2n-2 होती है, यहां क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला मैं बात कर रहा हूं आपसे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये तो जनरल फॉर्मूला कॉमन है, आप लोगों को मालूम है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब आगे ये बात एल्काइल हैलाइड की, तो एल्काइल हैलाइड क्या चीज है, जब एक एल्केन में से एक एच हटा दिया जाता है, जब एक एल्केन में से एक एच हटा देते हैं तो बनने वाला ग्रुप होता है एल्काइल, ठीक है, यानी कि एल्क तो आपका कॉमन है, लेकिन एक एच कम होने के साथ ही आपका एन चेंज हो गया आयल में, और अगर मैं इस पे एडिशन करा दूं हैलोजन का तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है एल्काइल हैलाइड, सही है। तो पहली चीज आप एल्केन में से एक एच कम कर दो, देखो एच कम करना है तो फॉर्मूला होता क्या बनेगा, CnH2n+1, क्योंकि यहां पर 2H है, तो हमने क्या किया एक एच को कम कर दिया, और हैलोजन का एडिशन कराना है, और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ग्रुप से, एक्स ग्रुप का मतलब क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन, इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा फ्लोरीन। तो ये सब कौन से ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मैंने एक्स लगा दिया, तो CnH2n+1 क्या हो गया एक्स हो गया। यहां पर जो मेन इसका क्या बनने वाला, देखो ये हम क्या बात कर रहे थे, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप की, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा एक्स होगा, और एक्स कौन कौन से है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये हमारे पास आ गए हैं फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं एल्कोहल की, एल्कोहल या फिर ईथर, दोनों चीजें सेम है, दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है जनरल फॉर्मूला, बताओ कैसे बनने वाला है। देखो एल्कोहल क्या चीज थी, अभी हम जो बात कर रहे थे जैसे CH3OH है ना, मिथेनॉल की मैंने बात करी, ये कब बना था, जब मैंने CH4 में से एक एच को माइनस किया था, इसका मतलब एक तो एल्काइल ग्रुप मेरे को चाहिए, यानी ये वाला ग्रुप चाहिए CnH2n+1 वाला, एक हाइड्रोजन कम हुआ। लेकिन अब आप ये सोचो कि मैंने क्या जोड़ दिया इसमें, OH जोड़ दिया ना, तो आप यहां क्या लिख दोगे OH, तो ये क्या बन गया CnH2n+1 OH बन गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, फॉर्मूला हो गया एल्कोहल का और ईथर का, यानी कि CH3OH या C2H5OH, यानी इसके फंक्शनल ग्रुप की मैंने बात करी है तो फंक्शनल ग्रुप होगा OH, किसके बारे में एल्कोहल के केस में, ईथर के केस में क्या हो जाएगा, ईथर के केस में हो जाएगा ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, बताओ एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ठीक है। अब CHO ग्रुप कैसे बनने वाला है, ये CHO और पहला जो एल्डिहाइड है वो ये होगा, दूसरा जो एल्डिहाइड है CH3CHO होगा। तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो फिर से क्या बनने वाला है, एक एच कम हुआ एल्काइल ग्रुप में से एल्केन ग्रुप में, तो CnH2n+1 CHO ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो कई जगह पर आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, H को इसी में काउंट कर दो, ठीक है, H को आप क्या कर दो, इसी में काउंट कर दो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+ टोटल कितने हुए 2, तो CnH2n+2 और ये हो जाएगा CO, ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिखा हुआ देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, लेकिन याद जो आपको ये रखना है जनरल फॉर्मूले की हम जैसे बात कर रहे थे, तो आप इसको टोटल काउंट कर लो, तो CnH2n+2 और CO हो जाएगा। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड O। तो ये आपके पास कुछ जनरल
कुछ होमोलोगस सीरीज के बेसिस पर, मैंने क्या बताया है, फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर उनकी होमोलोगस सीरीज बनाई है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऐसे ही बना सकते हैं, सी एच ओ ग्रुप की जगह क्या जाएगा, सी डब्ल्यू ओ एच ग्रुप आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ही क्या है, सी डब्ल्यू एच है। अमाइड्स का आप बना सकते हैं, अमाइड्स के लिए सीओ एन एच टू आ जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड्स के लिए, बाकी सेम एसिड्स आपका तैयार रहेगा। ठीक है, तो आप इसी बेसिस पर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लेकर के उसकी होमोलोगस सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम केवल यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबियल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, यानी कि जितना भी आईयूपीएसी होगा और जो भी उनका नेमिंग सिस्टम होगा, नोमेनक्लेचर होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा, समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो आप माइंड प्रिपेयर करके बैठिएगा जब आप नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज है और उसी के बेसिस पर हम बहुत सारे कंपाउंड्स को याद रख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।